अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज जी साइप्रस में हो रही है बड़ी ज़बरदस्त बारिश। मौसम तो दो तीन दिनों से बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश फाइनली आज हो गई और इस बारिश के साथ गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ जी खाना। खाने में मैं बनाऊँगी बीफ और साथ में तुर्किश मकारना वाला पुलाव और साथ में तुर्किश स्वीट डिश। तो बीफ में रखूँगी ज़रा फ्लोइसा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लहसुन और अदरक और मिर्चों का पेस्ट बना लिया था और अभी मैं बना रही हूँ जी टोमेटो और प्याज का पेस्ट। तो ये है जी टमाटो और प्याज का पेस्ट और ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो चलिए जी अभी एक पतीला ले लिया और इसमें ऑयल डाल दिया अबाउट हाफ कप और उसमें मैं लहसुन और अदरक और मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे सिर्फ हम लोग सौटे करेंगे इतना कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसमें बीफ डाल देंगे। बीफ मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिया था और आप चाहें तो कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं, मैंने सिर्फ पतीले में ही बॉईल कर लिया था। तो पहले मैं बीफ को लहसुन अदरक और मिर्चों के पेस्ट के साथ भून लूँगी अच्छे से, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूँगी। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी टमाटो और प्याज का पेस्ट। तो अभी इसे अच्छे से भून लेंगे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ जी स्पाइसेस। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून ही मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर दूँगी और साथ में ये है जी मिक्स मसाला। तो 2 टीस्पून ये ऐड कर दूँगी और साथ में अभी 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। तो सारे स्पाइसेस डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया और थोड़ा सा पका लिया है इसको। जब ये पानी अच्छे से पक गया है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी यखनी, जो कि मैंने बीफ बॉईल किया था तो उसकी यखनी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसके बाद इसको दम पे रख दूंगी पकने के लिए। तो ये रेडी हो गया है हमारा बीफ। तो अभी बना लेते हैं जी तुर्किश मकारना पुलाव। तो ये हैं जी ब्राउन राइस, जिनको यहाँ तुर्किश में मकारना कहा जाता है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है जी एक पॉट और उसमें मैं डाल दूंगी मक्खन। तो सबसे पहले हमने मक्खन डाल देना है, उसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब हमारा बटर मेल्ट हो चुका है और उसके बाद हम लोग अभी डाल देंगे जी ब्राउन राइस मकारना। तो इसको भी इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये डार्क ब्राउन हो जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे जी राइस, जो कि मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे अच्छे से वॉश करके। तो इनको भी इसके साथ फ्राई करना है अच्छे से। और यहाँ मैंने लिए थे जी 2 कप राइस, तो मैंने इसमें ऐड किया है 4 कप पानी, तो साथ में 1/2 कप मकारना था। तो अभी मैं इनको बॉयल आने तक पका लूँगी। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 कनौर की क्यूब। अब इसमें ऐड कर देंगे जी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले कनौर क्यूब भी ऐड किए हैं जिसमें सॉल्ट होता है,
तो मैंने डाल दिया जी 2 टीस्पून सॉल्ट। और अभी इसको बॉयल आ चुका है तो मैं इसमें से पानी खुश कर लूँगी और साथ में इसको दम पे पका लूँगी 10 मिनट के लिए। तो हमारा जी बीफ भी रेडी है, तो इसके ऊपर मैं हरी मिर्ची और धनिया गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ जी तुर्किश पिलाफ और बीफ रेडी हो चुका है, तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो अभी हो गया जी शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ जी तुर्किश बकलावा। तो इसके लिए पहले मैंने बटर मेल्ट कर लिया था और ये हैं जी बकलावा शीट्स, जिनको मैं पहले सेट कर लूँगी और उसके बाद जिस बर्तन में मुझे बनाना है, जिस ट्रे में मुझे बनाना है, उसको आप इसके ऊपर उल्टा करके रख दें और उसके अकॉर्डिंग आप इसे कट कर लें। तो जी अभी इसको असेंबल कर लेते हैं। अगर आपने घर में बनाई हुई शीट्स हैं तो आप उनको कवर करके रखें, क्योंकि ये शीट्स बहुत जल्द खुश्क हो जाती हैं और अकड़ जाती हैं। तो ये बाज़ार की शीट्स हैं इसलिए इनका ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये भी फोल्ड होने की वजह से टूट फूट गई थी, लेकिन बकलावा आपका बहुत अच्छा ही बनेगा। तो पहले शीट की एक लेयर लगा के, 2 शीट्स रख के, और उसके ऊपर आपने एक लेयर बटर की लगा लेनी है। और इसी तरह हाफ़ शीट्स के साथ आपने कर लेना है। हाफ़ शीट्स आपने रख के और उसके बाद उस पर बटर लगा के और उस पर वॉलनट्स डाल देने हैं, जैसे कि यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं। हाफ़ शीट्स मैंने लगा दी थी, असेंबल कर ली थी 2 शीट्स लगा के, उन पर बटर लगा के, और वो हाफ़ शीट्स मैंने लगा दी थी और हाफ़ शीट्स के ऊपर मैंने वॉलनट्स लगा दिए हैं। आप जो बकाया हाफ़ शीट्स हैं उनको मैं 2 शीट्स लगा के और उनके ऊपर बटर लगाए जा रही हूँ। तो इसी तरह आपने इसको असेंबल कर लेना है। तो जी यहाँ सारी शीट्स असेंबल हो चुकी थी और अभी मैं इनको कट लगा रही हूँ। तो ये आपने बेकिंग से पहले ही इसको कट लगा के रख देना है। और अभी मैं इसको कर रही हूँ बेक, और बेक आपने इसको करना है जी 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट्स तक, और अपर और लोअर दोनों रॉड्स के साथ। तो ये देखिए जी हमारा बकलावा रेडी है। तो सॉरी मैं इसके सिरप की क्लिप लेना भूल गई। तो सिरप आप बना सकते हैं 2 कप शुगर और 1 कप पानी से, और इसमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी आपने। जस्ट इसका लास्ट ड्रॉप, एक स्पून पे आप सिरप उठा लें और इसका लास्ट ड्रॉप अगर हैवी हो के गिरे तो इसका बकलावे का सिरप तैयार है। तो अभी मैं इसको गार्निश कर लूँगी जी पिस्ता पाउडर से। मैंने पिस्ता लेके उनको ग्राइंड कर लिया था। तो ये जी हमारा बकलावा तैयार है और ये है बकलावे की फ़ाइनल लुक। चलिए जी वीडियो को करती हूँ एंड। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।